कर लेते युक्ति से काज सिद्ध सारे। बुद्धि व चातुर्य अद्भुत तुम्हारे, वाहन है मूस सुमुख है विशाल काय, परिक्रमा है तू करेंगे कुछ उपाय। जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा। गजानंद तो अब भी कैलाश में, फिर वे उधर प्रतिस्पर्धा में भाग लेते कैसे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रभु ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है नारद। एक संतान के लिए उसके माता पिता ही सबसे प्रिय होते हैं, जो उसके जीवन का केंद्र बनकर उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अतः गजानन अपने माता पिता की परिक्रमा करते हुए अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उनके माता पिता के चरणों में ही त्रिलोक समाता है। कितना अद्भुत और कितना दिव्य दृश्य है ये। किंतु प्रभु ये कैसे संभव है कि गजानन यहाँ पे माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं, तत्पश्चात भी वे वहाँ अन्य देवताओं के साथ स्पर्धा में सहभागी हो रहे हैं, कैसे? बिल्कुल संभव है नारद। ये ब्रह्मांड जितना विशाल है उतना ही सूक्ष्म भी है। जहाँ एक तरफ इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोर को ढूंढ पाना कठिन है, वहीं इस ब्रह्मांड में एक छोटे से छोटे कण में संपूर्ण ब्रह्मांड समाता है। माता पिता के चरणों में ही त्रिलोक होता है, अतः गजानन अपने माता पिता की परिक्रमा करते करते त्रिलोक की भी यात्रा कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हमारे भक्त भोग हमारी प्रतिमा को लगाते हैं, किंतु उसे ग्रहण हम करते हैं। हविष्य यज्ञ की अग्नि को दिया जाता है, परंतु उसे ग्रहण देवता करते हैं। सत्य वचन। गंगा सागर में सुमुख डुबकी लगाए, ध्वजा श्री जगन्नाथ मंदिर से लाए। कांची से अति पावन कुमकुम ले आए, द्वारका से जगमगाता शंख भी उठाए। अद्भुत, नारद आश्चर्यचकित। वहां सभी देवता पृथ्वी और पाताल के तीर्थ यात्रा करने के होड़ में लगे हुए हैं, और यहाँ गजानन मात्र अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये कठिन कार्य पूर्ण कर रहे हैं। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, अब समय आ गया है
जब गजानन की बुद्धि और चतुराई की इस अद्भुत लीला का दर्शन संपूर्ण संसार करेगा। प्रभु, इस लघु द्वार में मैं अपने विशाल आकार के साथ कैसे प्रवेश करूंगा? मुझ पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए मूषक जी। उचित है प्रभु। गजानन पाताल के द्वार तक पहुंच गए हैं। द्वार तक पहुंच तो गए हैं, किंतु क्या देवर्षि? प्रश्न ये है माँ सरस्वती, क्या बालक गजानन पाताल में प्रवेश कर पाएंगे? युक्ति लगाई जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता मुशक जी। द्वार से तो आगे बढ़ने में सफल हो गए हम। हाँ प्रभु, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे मूषक जी। पाताल का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद, किंतु अब मैं आपको पीछे छोड़ दूंगा। रावत, पूरे वेग के साथ आगे बढ़ो। देवराज, यदि मुझे पराजित करना चाहते हैं तो अपना ध्यान मुझ पर नहीं, आगे के मार्ग पर रखिए। राजा बलि का सूतल लोक। Oh,
हम यहाँ राजा बलि से भेंट करने आए हैं, आगे बढ़ने दे हमें। कोई नहीं जाएगा आगे। हम देवगण यहाँ कैलाश से आ रहे हैं और तुम हमें रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। ये तो कोई असुर प्रतीत होता है, मुझे इसे अपने मार्ग से हटाना ही होगा। ऐसी मायावी शक्ति का स्वामी है ये, जिसके कारण मैं अपना वार भी नहीं कर पा रहा हूं। शीघ्र यहां तक कैसे पहुंच गए? ओम नम गणपतये नमः, ओम नम गणपतये नमः। गजानन क्या? ये कोई साधारण द्वार रक्षक प्रतीत नहीं होते। चरणों पर महावर और ललाट पर श्री हरि नारायण जैसा तिलक भी है। इनको पहचानने में आप सभी देवगणों से भूल हुई है। भैया, ये आप क्या करने जा रहे थे? आपको ज्ञात है ये कौन है? स्वयं मामा जी श्री हरि नारायण है ये। हाँ भैया, आपको स्मरण है ना, एक बार मैं मामा जी से भेंट करने वैकुंठ चला गया था। तभी जब मामा जी ने मुझे स्वादिष्ट फल दिए थे खाने के लिए, तब मामा जी ने मुझे ये कथा सुनाई थी। प्रजा के हित का ध्यान रखने वाले अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, जिसके संपन्न होने पर असुरों का देवताओं पर वर्चस्व स्थापित हो जाता। तब देवताओं की रक्षा के लिए श्री हरि नारायण ने एक बालक वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान मांगा। राजन, जितनी भूमि मेरे तीन पग में समा जाए उतनी भूमि दान देने की कृपा कीजिए। अवश्य ब्राह्मण देवता। तब प्रभु के वामन अवतार ने त्रिविक्रम रूप धारण कर अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि जहाँ राजा बलि खड़े थे
वहाँ से मात्र उनके पांव दिखाई दे रहे थे और वामन अवतार के प्रथम पग में ही संपूर्ण पृथ्वी समा गई। उनके दूसरे पग में अन्य सभी लोग आ गए। अब मैं क्या करूं? मेरे तीसरे पग के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। अपना तीसरा पग कहाँ रखूं मैं? और इस प्रकार राजा वली, जिन्होंने अपना कोई वचन कभी भंग नहीं किया था, प्रभु के वामन अवतार के समक्ष झुक गए और उनके तीसरे पग के लिए अपना शीश ही बढ़ा दिया। देख, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए आज से मैं आपको पाताल लोक का राज्य सौंपता हूं और ये वचन देता हूं कि मैं सदैव आपके राज्य की रक्षा करूंगा, जिससे कोई भी आप पर आक्रमण करे आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं ज्ञात था कि आप स्वयं श्री हरि नारायण हैं। प्रभु, हमारा निवेदन स्वीकार कर क्या आप हमें भीतर जाने की अनुमति देंगे? मैंने कहा ना, कोई भीतर नहीं जा सकता। समस्या अभी भी वही की वही है। हम भीतर जाएं तो जाए कैसे? देवराज, संसार में सभी कार्य युद्ध और संघर्ष से सिद्ध नहीं होते। कभी कभी प्रार्थना भी सफलता दिला देती है। हाँ, उचित कहते हैं गजानन, मैं समझ गया। अतुलित सौंदर्य के धनी हैं आप, शक्तिशाली, मनोहर, रमणीय। आपको अपने भक्त से इतना प्रेम है प्रभु कि आप यहां स्वयं उनकी रक्षा के लिए पाताल लोक में स्थित हैं। मैं भी आपका परम भक्त हूं प्रभु। आपको तो ज्ञात है कि मैं यहां किस प्रयोजन से आया हूं, इसलिए मुझे यहां से आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। तो आप आगे नहीं जा सकते। आपकी युक्ति तो असफल हो गई गजानन। वरुण देव ने तो मेरी युक्ति समझी ही नहीं, तो वो सफल कैसे होती? प्रहरी अपनी प्रार्थना से नहीं, अपने स्वामी की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। और इस समय श्री हरि नारायण के अंश राजा वली के राज्य की रक्षा कर रहे हैं। असुर होने पर भी, वेद में भी, जिन्होंने अटूट निष्ठा रखी, जो सदा दयालु और दानवीर रहे,
जिन्होंने स्वयं भगवान को दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया। दान देते समय जिनके हाथ ऊपर रहे और भगवान के हाथ दान स्वीकार करने के लिए नीचे हो गए। ये इतना दिव्य मधुर स्वर किसका है? तुम्हें आगे जाने की अनुमति है। धन्यवाद मामा जी। मामा जी, कृपया इन सभी को भी भीतर आने की अनुमति दीजिए। प्रतियोगिता के प्रारंभ स्थान पर छोड़कर आया था, फिर इतनी शीघ्र तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? अहो भाग्य मेरा, जो मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी देवगणों को राजा बलि का प्रणाम। प्रणाम राजा बलि जी। महादेव और माता पार्वती के पुत्र स्वयं हमारे पास आए हैं, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। आपका स्वागत है। प्रणाम देवराज, प्रणाम देवगणों, आप सभी का स्वागत है यहाँ। राजा बलि, आपको तो ज्ञात ही होगा कि हम सब यहाँ एक प्रतियोगिता को पूर्ण करने के उद्देश्य से आए हैं, इसीलिए अभी हमें आपके उपवन के फुहारे से मोतियों की आवश्यकता है। अवश्य, आप सभी यहाँ इतनी दूर से मेरे पास आए, मेरे अतिथि हैं, और ये तो आपका अधिकार है। यदि आप भोजन के लिए भी रुक सकते तो और भी उत्तम होता। भोजन? भोजन पर आपका निमंत्रण पाकर हमें अत्यंत ही आनंद आता, किंतु अभी हमें शीघ्र ही निकलना होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। हाँ राजा बलि, से पूर्व की विलंब हो जाए हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। सर्वप्रथम ये तो राजा बलि की उदारता है कि उन्होंने हमें अपने भवन में प्रवेश करने दिया, अब वो हमें सादर भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिस आमंत्रण को अस्वीकार करना उनके आतिथ्य का अपमान होगा। अति उत्तम, मैं इस निर्णय से अत्यंत आनंदित हूँ। किंतु ये तो बताइए कि भोजन में आपने क्या पकवान तैयार करवाया है? जो आप खाना चाहें। आनंद आएगा। आइए देवराज, आइए देवगणों। इन सभी को भोजन करने दो, अच्छा अवसर है। मैं धीरे से छिपकर निकल जाऊंगा यहाँ से। बलि ने सदा मेरे आदेश की अवहेलना की, मैंने उसे देवताओं से सावधान रहने को कहा, आज भी उन्हीं का साथ देकर ऐसा कर रहा है। बलि मेरा आदेश नहीं सुनेगा तो क्या? बाहु और केतु तो मेरा आदेश अवश्य मानेंगे।
आइए देवराज, भोजन ग्रहण कीजिए। प्रणाम सूर्यदेव, कृपया आप भी भोजन ग्रहण कीजिए। अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है भोजन का। प्रातः गजानन, अब यहाँ अधिक समय मत लगाना, शीघ्र भोजन करो, फिर यहाँ के उपवन से मोती बटोर कर हमें आगे बढ़ना, ठीक है? गजानन ने तो चमत्कार कर दिया सूर्यदेव, किंतु ये इतनी शीघ्र यहाँ पहुंचे कैसे? ज्ञात नहीं इंद्रदेव, कहीं इनके मूषक के पंख तो नहीं आ गए? अन्य सभी के पूर्व भोजन समाप्त कर लेता हूं। कुमार कार्तिकेय, देवराज इंद्र, सूर्यदेव, अग्निदेव, चंद्रदेव, शनिदेव, कुबेर देव, सभी तो हैं यहां, फिर नदारद कौन है? यमराज। क्या हुआ वायुदेव, आप इतने स्तब्ध क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं देवराज, कुछ नहीं हुआ, आप भोजन कीजिए। मोदक बहुत स्वादिष्ट है, और लाइए। एक-एक करके सभी देवता यहां से निकल गए। गजानन, बस बहुत हो, चलो अब हमें जाना चाहिए। भोजन छोड़कर भैया, किंतु उससे तो अनिष्ट होता है। गजानन, मैं अपना भोजन समाप्त कर चुका हूँ, तुम भी करो और शीघ्र चलो यहां से। किंतु मैंने तो अभी भोजन प्रारंभ भी नहीं किया। भैया, मुझे माँ ने सीख दी थी कि हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, हमें सदा अन्न का आदर करना चाहिए। मैं भोजन का निरादर कभी नहीं करूंगा। आपको आगे जाना है तो जाइए, मैं फिर आगे पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ देवराज इंद्र, प्रतीत होता है आपको भोजन उचित नहीं लगा? देव, भोजन तो अति उत्तम है, तो मुझे यहाँ से प्रस्थान करना होगा, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। जैसा आपको उचित लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। गजानन, ये भोज नहीं प्रतियोगिता है, इसीलिए शीघ्र अपना भोजन समाप्त करना और आगे बढ़ना, ठीक है? हाँ भैया, मैं मन भर कर, मेरा अर्थ है कि शीघ्र खाकर आ जाऊंगा। उचित है, किंतु हाँ, राजा बलि के उपवन से दिव्य मोती लेना मत भूल जाना। हाँ भैया। अब आज्ञा दीजिए।
वैसे इस प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन तो कर रहे हैं, किंतु भोजन के कारण वे कहीं पुनः पीछे न रह जाए माता। परिस्थिति को समझकर विनम्रता के साथ उसका सामना करने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है।